एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। तो देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सुरक्षा पर यह चिट्ठी लिखी गई है। असम में यात्रा की सुरक्षा को लेकर खड़गे ने चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से बवाल हुआ था उसके बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता आशीष सिंह। आशीष, सुरक्षा में लापरवाही देखने को मिली थी उसके बाद अब ये चिट्ठी लिखी गई है, क्या इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से? देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है गृहमंत्री को और शिकायत दर्ज कराई है और ये मांग की है कि वो डीजीपी को इंस्ट्रक्ट करें राज्य के कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बाधित न किया जाए। और आपने देखा है जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से लगातार कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जहां से भी असम में जिन जिन इलाकों से होकर गुजर रही है वहां उन्हें तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आ रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह हिंसक झड़प भी हो जा रही थी और यहां तक मामला बढ़ गया था कि कल हिमंत बिस्व शर्मा ने बाकायदा ट्वीट करके ये जानकारी तक दी कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल इन जैसे नेताओं और कन्हैया कुमार के खिलाफ बाकायदा FIR तक दर्ज कराई गई। तो इतना ज्यादा टकराव बढ़ गया है कि कांग्रेस लगातार 3 दिन से आरोप लगा रही कि जानबूझ करके राहुल गांधी की यात्रा को समय बाधित किया जा रहा है। और इन्हीं सब शिकायतों को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। जैसा मैंने आपसे बताया कि उन्होंने मांग की है कि डीजीपी को इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि राहुल गांधी के साथ उनकी यात्रा को इस तरह से बाधित न की जाए। जी ठीक है आशीष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये चिट्ठी भी आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जो लिखी गई है। ABP News आपको रखे आगे।